नमस्कार, SangeetaAgarwal.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम ब्रेकफास्ट में खाई जाने वाली बेड़मी पूरी बनाएंगे। बेड़मी पूरी बनाने के लिए एक कटोरी उड़द की धुली हुई दाल को लेकर के इसे दो तीन बार पानी में धोएंगे। यहाँ हमने दाल को अच्छे से बीन लिया था और इसे दो तीन बार पानी से धोने के बाद एक चलनी में छान करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। हमने यहाँ पर दाल को दो तीन बार पानी से अच्छे से धो करके इसे एक चलनी में कर लिया है, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निचड़ जाएगा। अब हम एक पैन को गर्म करके इसमें दाल करेंगे। अब हम दाल को मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए इसका पानी सूखने तक इसे हल्का भूनेंगे। शुरू में दाल हल्की हल्की से पैन में चिपकेगी, पर जैसे जैसे दाल सूखती जाएगी तो ये छूटती जाएगी। आप देख सकते हैं, दाल को आप तेज गैस पर ना सुखाएं। यहाँ पर मैं पैन में भून रही हूँ। अगर आपके यहाँ धूप आती हो तो आप इसे एक डेढ़ घंटे के लिए धूप में फैला दें। हमें दाल को हल्की गैस पर भूनते हुए करीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका पानी सूख गया है और ये हल्की हल्की कुरकुरी भी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और दाल को पैन में ही रखा रहने देंगे और बाद में इस तरीके से चला देंगे, जिससे कि दाल नीचे से जले नहीं। यहाँ हमने गैस को बंद कर दिया था। अब हम दाल को ठंडा होने के लिए रखा रहने देंगे। हमने यहाँ दाल को ठंडा होने के बाद एक मिक्सी के जार में कर लिया है। अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। हमने यहाँ पर दाल को बारीक पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक बाउल में कर लेंगे। अब हम पिसी हुई उड़द की दाल में एक चम्मच पिसी हुई सौंफ, चौथाई चम्मच हींग, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधी चम्मच साबुत जीरा और आधी चम्मच से कुछ कम नमक डाल करके हम इन सबको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा गूंथेंगे। हमने यहाँ पर दाल के आटे को मल लिया है, आप देख सकते हैं। हमें इसका आटा इस तरीके का मलना है, जैसे कि रोटी और चपाती का नॉर्मल आटा मला जाता है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। हमें दाल के आटे को मलने में 1/4 कटोरी पानी लगा है। दाल मलते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये थोड़ा सा ढीला होना चाहिए, क्योंकि दाल फूलने के बाद टाइट हो जाती है। अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए ढक करके फूलने के लिए रखा रहने देंगे। अब हम बेड़मी पूरी के लिए आटा लगाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी मैदा और 1/2 कटोरी सूजी ली है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे हम इस तरीके से हाथों पर रगड़ करके इसमें मिलाएंगे। और अब हम इसमें इस तरीके से थोड़ा सा होल करेंगे और उसके बाद अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी करेंगे और इसे अच्छे से हाथों से मिलाएंगे। अभी हमारी बेड़मी में घी कम है, अब हम इसमें 1 चम्मच घी और मिलाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी लिया है। अब हम इसमें गुनगुना पानी डाल करके आटा मलेंगे। हमें यहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक बार में इकट्ठा पानी ना डालें। हमें आटे को पूरियों के आटे से हल्का सा ढीला मलना है, क्योंकि इसमें सूजी पड़ी हुई है तो ये फूल जाएगी और फूलने के बाद आटा टाइट हो जाएगा। हमारा पूरियों का आटा मल गया है। यहाँ हमने इस कटोरी के नाप से आटा बेसन और सूजी ली थी और इसी कटोरी के नाप से हमारा 1 कटोरी पानी और 1 बड़ा चम्मच पानी लगा है। अब हम इसे ढक करके करीबन 20 मिनट के लिए रखा रहने देंगे। हमारे आटे को रखे हुए 1/2 घंटा हो चुका है। अब हम इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको चिकना कर लेंगे। इधर हमारा उड़द की दाल का आटा भी
अच्छे से फूल चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब हम हाथों पर तेल लगा करके एक लोई तोड़ेंगे और इस तरीके से इसकी गोल लोई बना लेंगे और साथ ही इसमें से थोड़ा सा दाल का पेस्ट लेकर के इसकी भी इस तरीके से एक लोई बना लेंगे। अब हम चकले के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे और बेलन के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब हम लोई को रख करके इस तरीके से इसे थोड़ा सा बेलेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पेस्ट रखेंगे, पेस्ट आप इसमें ज्यादा ना भरें, अगर आपने पेस्ट ज्यादा भर दिया तो ये कचौड़ियां फट जाएंगी। और इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से बंद करें और फिर गोल गोल घुमा करके एक सार कर लें। अब हम इसे बेलेंगे, बेलते समय हमें इन्हें थोड़ा सा मोटा ही बेलना है और इसे छोटी छोटी बेलें, ना कि बहुत बड़ी बेलें। हमने यहां पर ऑयल को गर्म कर लिया है, अब हम इसमें छोटा सा पीस डाल करके ऑयल को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पूरी को डाल करके इसे तलेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी फूल चुकी है। अब हम इसे पलट देंगे। अब हम इसे अलट पलट करके सेक लेंगे। हमारी पूरी सिक चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी बची हुई पूरियां भी बना लेंगे। लीजिए, हमारी ब्रेड में पूरी तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।